الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, कुछ रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खैर का दरिया बहा देते हैं और ये रातें बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी कीमती होती हैं। और ऐसी रातों में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजीब व गरीब अताएँ होती है, रहमतें होती है और अल्लाह ताला बंदों को कुछ नवाजना चाहते हैं, लेने वाले चाहिए। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला देते हुए खुश होते हैं और अल्लाह के सारे ख़जाने जो हैं वो देने के लिए हैं, लेने के लिए कुछ नहीं। इसीलिए तो फरमाया कि मांगने वालों से अल्लाह प्यार फरमाते हैं, इसीलिए दुआ का दरवाज़ा खुला रखा कि मांगो अल्लाह से, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह राज़ी होंगे, बल्कि अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाएंगे। और चलते फिरते मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला साहिबे निस्बत बना देंगे, अल्लाह अपना वली बना देंगे।
अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद जो चलते फिरते उठते बैठते अपनी बातें अल्लाह से शेयर करें, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाए, और सिर्फ गमी की हालत में नहीं, परेशानी की हालत में नहीं, तकलीफ के वक्त नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसी वक्त नहीं, बल्कि खुशी के मौके पर जब वो बंदा खुश हो उस वक्त भी वो अल्लाह ताला से मांगता हो, तो अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा प्यार फरमाते हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं कि ये वो बंदा है जो बार बार मुझसे मांगता है। मुसलमानों में एक बड़ा मजमा वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मांगता है, लेकिन कब, कोई बीमार हो जब, एक्सीडेंट हो जाए जब, बेचैन हो जाए जब, परेशान हो जाए तब, कारोबार में मंदी आ जाए तब, बच्चों को कोई तकलीफ़ हो जाए उस वक्त, मियां बीवी में आपस में कोई रंजिश हो जाए उस वक्त, जब बंदा इस तरह फंस जाए कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो उस वक्त, ऐसे लोग बहुत हैं मांगने वाले, बल्कि सारे मुसलमान उस वक्त तो अल्लाह से मांगते हैं जो मुस्तरब है, जो मुस्तरब है उसको उधर इल्तिफात है, आखिर खुदा के नाम में कोई तो बात है। कोई भी परेशानी में फंसता है उसको अल्लाह याद आता है, बल्कि गैर लोग जो अल्लाह को नहीं मानते वो लोग भी जब किसी ऐसी मुश्किल में फंसते हैं जहाँ से निकलने का कोई हल नहीं होता, उस वक्त वो लोग भी कहते हैं कि ये काम तो ऊपर वाला ही हल करेगा। उनको भी पता है कि जो कुछ कर सकता है वो अल्लाह ही कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाले, बड़ी ताकत वाले। तो बात ये समझनी है कि मांगने वालों की दो किस्में हैं। एक मांगने वाले वो हैं जो खुशी में भी मांगते हैं, परेशानी में भी मांगते हैं, खुशी के वक्त में भी मांगते हैं, जब कोई तकलीफ ना हो, नो टेंशन लाइफ हो, ज़िंदगी गुजारने की मज़ा आ रही हो, उस वक्त भी अपने अल्लाह से मांगते हैं, और जब तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, हालात आ जाए और तकलीफ़ घेर लें, उस वक्त भी अल्लाह से मांगते हैं। तो ये लोग जब परेशानी में मांगते हैं ना, तो फरिश्ते कहते हैं बड़ी मानूस आवाज़ है, कि ये सिर्फ परेशानी में नहीं मांग रहे, ये तो खुशी के वक्त भी हाथ फैलाते हैं। और आप यकीन मानो, अल्लाह वालों की गुनाहों से बचने के बाद, अल्लाह वालों की गुनाहों से बचने के बाद, तकवा भरी जिंदगी गुजारने के बाद, जो बुनियादी सिफत है वो ये है कि वो खुशी में भी अपनी बातें अल्लाह से शेयर करते हैं और गमी में भी अपनी बातें अल्लाह से शेयर करते हैं। अगर इस मजलिस में किसी का ये इरादा हो कि मैं भी अल्लाह का वली बनूं, मुझे भी अल्लाह का ताल्लुक नसीब हो जाए, तो ऐसा तो माशाल्लाह हर कोई है, मेरी भी चाहत है, आपकी भी चाहत है, मेरा भी जज्बा है, आपका भी जज्बा है, और होना चाहिए कि अल्लाह के वली बन के जाए। वली कहते हैं दोस्त को, हम में से कोई अल्लाह का दुश्मन बनना नहीं चाहता। कोई है जो दुश्मन बनना चाहे? कोई नहीं चाहता। हाँ, दो लोगों से अल्लाह बड़े नाराज, गुनाह तो बहुत है और गुनाह की माफ़ी भी बड़ी ज़बरदस्त है और होगी, क्योंकि जहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने पेंसिल बनाई वहाँ रबड़ भी बनाया। इंसान को पेंसिल बनाने का दिमाग दिया तो रबड़ बनाने का भी दिमाग दिया। फरमाया जहाँ पेंसिल बनी वहाँ रबड़ बना, जहाँ कलम बनी वहाँ वाइटनर बना, जहाँ कपड़े बने वहाँ सरफ बना, जहाँ मोबाइल बना वहाँ डिलीट का बटन बना। फरमाया जहाँ इंसान बना उसके गुनाह, वहाँ पर तौबा, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा रखा। फरमाया पेंसिल से लिखने में गलती हो जाए तो रबड़ से मिटा दो, क्या होगा? ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई गलती हुई थी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और कलम से लिखने में आगे पीछे हो जाए, आप टेंशन न ले, परेशान न हो, दुनिया वालों ने उसका हल निकाला है, अल्लाह ने उसका दिमाग दिया है, क्या करें? फरमाया वाइटनर उस पर लगा दे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पहले क्या लिखा था। कपड़े गंदे हो जाए,
सरफ में भिगो दें, उसे धो दें, पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी गंदे भी हुए थे। मोबाइल में एक मैसेज हो और डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन दबा दें। कोई कहे मेरे मोबाइल में तो हजारों मैसेज हैं, कोई बात नहीं, ऑल करके डिलीट का बटन दबा दें, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जो छोटे से गुनहगार हैं उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, और जो बड़े गुनहगार हैं उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। क्योंकि हमारा जो मामला है वो दुनिया के इंसानों के साथ नहीं है, हमारा मामला तो रहमान के साथ है, रहीम के साथ है, जो गफूर और रहीम है। हमारा मामला तो उस अल्लाह के साथ है। इसीलिए हमें अत्तहियात में, नमाज में, आखिरी कायदे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा, और दुआए मासूरा में भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक जो दुआ पढ़ी जाएगी वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ये बड़े तारीखी जुमले हैं और ज़बरदस्त इस्तिग़फ़ार है। बहुत ज़्यादा झुक करके इंसान अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता है। बंदा क्या कहता है, अल्लाहुम्मा प्यारे अल्लाह इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह जी आप तो बड़े करीम हैं, आप तो बड़े रहीम हैं, रह गई बात मेरी तो मैं बड़ा गुनहगार हूँ। और नमाज में जहाँ मैंने अल्लाहु अकबर कहा है, जहाँ मैंने सना पढ़ी है, जहाँ मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है, जहाँ मैंने और सूरत पढ़ी है, फिर मैंने अल्लाहु अकबर कहा है, और मैंने रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ा है, अल्लाह जी मेरी पूरी नमाज मुकम्मल हो रही है, आखिरी कायदा है, अब तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। कि बंदा, चूंकि अल्लाह ताला बंदे के उस वक्त बहुत करीब होते हैं जब बंदा नमाज में होता है, और सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होते हैं जब बंदा सजदे की हालत में होता है, और अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो बंदा नमाज में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो आप अंदाजा लगाओ, नमाज भी है, सजदे की हालत भी है, और नमाज मुकम्मल भी हो रही है, अत्तहियात वाजिब है वो भी इस बंदे ने पढ़ ली है, और दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है। अब आखिर में वो अपने अल्लाह से कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह प्यारे अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह जी कितना जुल्म किया है, कोई छोटा मोटा नहीं, मैं कोई छोटा मोटा गुनहगार नहीं हूँ, मैंने अपने नफ्स पर जुल्मन कसीरा, कसीरा का लफ्ज़ बड़ी अहम चीज़ पर बोला जाता है, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और मैं आपके सामने नमाज की हालत में, वुजू की हालत में, क़िबले की तरफ मुँह करते हुए और कायदे में अदब से बैठते हुए और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं इसका इकरार करता हूँ कि मैं आपकी ज़मीन पर बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम। अजीब व गरीब इस्तिग़फ़ार है। इसलिए कई अल्लाह वाले अपने इस्तिग़फ़ार में इसको पढ़ते हैं कि जब नमाज में इसको पसंद किया गया तो वो चलते फिरते इसको पढ़ते हैं। सूरत में मेरी एक ताजिर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मेरा अल्लाह का एहसान है, मेरा अल्लाह का करम है। वो मेरे पूछने पर मुझे बता रहे थे मेरी तरगीब के लिए, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप कौन सा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो मुझे कहा वही जो हम नमाज में करते हैं, اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم। रोजाना मैं 1000 मरतबा पढ़ता हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह आप कितने साल से पढ़ते हो, आप तो वक्त को बड़ा वसूल कर रहे हो, वक्त की कदर कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए, हमारे लिए भी दुआ करना, कितने साल से पढ़ रहे हो। उस वक्त उन्होंने कहा मौलाना साहब अल्लाह जानता है मैं 38 साल से 38 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से ये 1000 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला को कितना रहम आता होगा उन पर, और अल्लाह ताला का कैसा करम उनकी तरफ मुतवज्जे होगा। एक तरफ तो मेरे अजीज़ो वो अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से भी नवाजा है और बड़े बड़े शोरूम हैं, और दूसरी तरफ सारी नेमतों के बावजूद उनके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त है।
वरना आम तौर पर जहां नेमतें होती है, जहां पैसों की बारिश होती है, इंसान सबसे पहले अपने अल्लाह को भूलता है और उसके घर में गुनाहों के असबाब शुरू होते हैं और उनकी फैमिली के दरमियान बेदीनी और बेहयाई और फहाशी और उरियानियत का माहौल कायम होता है और उनकी बच्चियों में वेस्टर्न कल्चर का माहौल होता है। बर्थडे अक्सर उन्हीं घरों में मनाई जाती है, एनिवर्सरी मनाई जाती है और अल्लाह को नाराज करके उन घरों में जिंदगी गुजारी जाती है। अक्सर ऐसे घरों में आम तौर पर ये जहां कहीं भी है, आम तौर पर रात में लेट सोने का और फजर की नमाज के छोड़ देने का माहौल होता है। वजह क्या है? उनके पास पैसा है, इसीलिए आम तौर पर उनकी नस्लें अल्लाह के दीन से बड़ी दूर हो जाती। इसीलिए अल्लाह ताला से जब भी रोज़ी मांगे तो बरकतों वाली हलाल रोज़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से साथ में दीनदारी की नेमत भी मांगनी चाहिए। हमारे नवसारी में एक शख्स बहुत ज़्यादा खर्च करते अल्लाह के नाम पर, बहुत ज़्यादा, गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, बेवाओं की मदद, मिस्किनों की मदद, परेशान हालों की मदद, बहुत ज़्यादा हाथ खुला हुआ। इज्तिमा में ज़रूरत पेश आई वॉशरूम की, सो तो उन्होंने बोला क्यों किराए से लेते हो, फिर मसला वो सब मेरी तरफ से। और नवसारी में कितने लोग मुझे मिले, भाई हम हज करके आए, आपको किसने भेजा? बोले हमें फला आदमी ने, वो हमारे लिए जरिया बने। वो कितने लोग, कभी कभार दो मरतबा, कभी कभार तीन मरतबा। मैं तो हैरान रह गया कि अल्लाह अकबर। एक जगह मेरा जाना हुआ, वहाँ पानी का उन्होंने एक जगह बहुत बड़ा काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वहाँ एक तारीखी काम किया। मैंने कहा ये काम किसने किया? बोले वही जो नवसारी में रहते हैं और फिलहाल वो तकरीबन अमेरिका में। मेरा दिल बड़ा मुतासर हुआ उनसे कि अल्लाह अकबर, कैसा अल्लाह के बंदों पर रहम करते हैं और कैसी मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है। सारे अंबिया अपने अपने ज़माने में खिदमत गुजार थे, सारे सहाबा के अंदर खिदमत का जज्बा था। इसीलिए फरमाया कि जो कौम का बड़ा आदमी हो, कौम का सरदार हो, कौम का लीडर हो, उसके अंदर भी खिदमत का जज्बा होना चाहिए। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम हुआ करता है। और हम तमाम को चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचपन से इस चीज़ की तरफ लाएं कि हमारे बच्चे बचपन से खिदमत गुजार बने, क्योंकि हमने देखा है जो खिदमत गुजार होता है आम तौर पर उसके बड़े जुमले नहीं होते, उसकी बड़ी बातें नहीं होती, उसके बड़े बोल नहीं होते। खिदमत करने वाला हमेशा तवाज़ु इख्तियार करता है, चूँकि उसे गरीबों में जाना, उसे यतीमों में जाना, उसे बेवाओं में जाना, उसे मिस्किनों में जाना, उसे मजबूरों में जाना, और जैसी मत मिलती है ना वैसा असर होता है। इसीलिए फरमाया कि गरीबों के पास जाके बैठा करो ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी अच्छी हालत में रखा है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को न देखो, अपने से ज्यादा मालदारों को न देखो, अपने से ज्यादा ताकतवरों को न देखो, अपने से ज्यादा वर्चस्प वाले को न देखो। फरमाया अगर अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आखिरत बनाना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जो नेमत दी है उस पर खुश रहो। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई, اللهم قنعني بما رزقتني। प्यारे अल्लाह आपने हमें जो कुछ रिस्क दिया है हमें उस पर कनात करने की तौफीक अता फरमा। दुआ है, बड़ी जबरदस्त दुआ। ये दुआ जो कोई पढ़ेगा उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ने जो कुछ दिया है ना उस पर वो मुतमईन हो जाएगा। और जो आदमी अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर मुतमईन हो जाए वो अभी के दौर में सबसे बड़ा मालदार है। वरना जितना बड़ा मालदार होता है पैसे का इतना ही भूखा होता है। एक फकीर को 10 रुपये चाहिए, वो 10 रुपये का भूखा है, बच्चा 10 रुपये का भूखा है, एक हजारपति 100 रुपये का भूखा है, एक लाखपति हजारों का भूखा है, एक करोड़पति लाखों का भूखा है और अरबोंपति करोड़ों का भूखा है। उसकी भूख तो और ज्यादा है, उसको समझ नहीं आते हजार, उसको समझ नहीं आते लाख, उसको चाहिए करोड़ों। तो इससे पता चला, एक बुजुर्ग फरमाते हैं हमारी दुनिया में अजीब माहौल है, जो जितना बड़ा मालदार है इतना ही बड़ा फकीर है। जितने ज्यादा उसके पास रकम है इतना ही ज्यादा उसको और पैसों की जरूरत है।
एक मालदार घराने में मेरा जाना हुआ, बहुत परेशान, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं हिल गया, मैं खुद ताज्जुब में रह गया। मैंने उनसे कहा आपके परेशानी की वजह क्या है, कोई नुकसान हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई आप में माली एतबार से घाटा हो गया? तो फिर उन्होंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया, ना 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 मौलाना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पहले के मुकाबले में अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया और अब हम बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असल बात यह है, मैंने कहा वो असल बात जो है ना वो मैं सुनना चाहता हूँ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो मुझे उन्होंने चार पाँच नाम गिनाए, बोले मौलाना इनको आप जानते हो? मैंने कहा हाँ, ये 200 करोड़ की पार्टी है। और वो फुला को आप जानते हो? मैंने कहा हाँ, वो 300 करोड़ की पार्टी है। और वो फुला को आप जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले वो 700 करोड़ की पार्टी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाई आप उनको देखोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, वो कितने की पार्टी है उससे आपको क्या लेना देना, उनके पैसों से आपको क्या फ़ायदा, क्या वो आपको कोई रकम देने वाले, क्या आपके नाम वो कुछ लिखने वाले? पैसे का होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अभी फॉरेन में एक शख्स के पास बहुत पैसा था, वो दुनिया से उसके जाने का वक्त आया, उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम लिख दी, तो कुत्ता भी करोड़पति हो गया। अखबार में आया था कि करोड़पति कुत्ता फॉरेन में, प्रॉपर्टी है उसके पास। हम में से किसी की जुबान समझता हो तो वो बात करे, शायद उसका फायदा हो जाए। तो मेरे अजीजों, सारी बात का खुलासा ये है कि कनात जो है ये अल्लाह की बड़ी जबरदस्त नेमत है। अगर ये किसी को नसीब हो जाए, आप यकीन मानो अल्लाह की कसम 5000 तनख्वाह होगी तो भी खुश रहेगा अगर कनात मिलती है। इसीलिए प्यारे नबी की दुआओं में कि वो अल्लाह ताला से कनात मांगते थे। और सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके पास कनात हो, क्योंकि जिसके पास कनात होती है ना वो दिल का मालदार हो जाता है, और असल मालदारी तो दिल की मालदारी है। अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी, प्यारे अल्लाह आपने हमें जो कुछ रिस्क दिया है उस पर हमें कनात नसीब फरमा, उस पर हमें इत्मीनान नसीब फरमा। हमारे नबी की तो चाहत थी कि वो ज़िंदगी भी मिस्कीनों जैसी गुजारे और दुनिया से जाए तो भी मिस्कीनों की तरह दुनिया से जाए। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। हालांकि दुनिया आपके सामने पेश की गई, आपने उसे कबूल नहीं किया, दुनिया बड़ी रौनक के साथ आई और बड़ी आन बान शान के साथ आई। दुनिया ने जाते जाते कहा भी जिसका खुलासा कि आप मुझसे बच गए लेकिन आपके बाद वाले मुझसे नहीं बच सकेंगे। इसीलिए अक्सर ये दुनिया इंसानों पर जादू कर देती है। ये इंसान क्या जादू करेंगे, ये दुनिया ही जादू कर देती है। क्या जादू करती है, हर अच्छे अच्छे को अपना दीवाना बना लेती है। क्या नेक, क्या बद, क्या जानकार, क्या नासमझ, क्या अल्लाह वाले, क्या आलिम, क्या कारी, क्या मुफ्ती, क्या दीनदार, क्या बेदीन, क्या जमात में जाने वाले, क्या जमात में न जाने वाले। अक्सरों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, अक्सरों की। लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के लिए कुल का हुक्म होता है कि ये दुनिया जो है जादू कर देती है। इसीलिए फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है और ये बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, और आखिरत की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत बेहतर है, हमेशा बाकी रहने वाली है। लेकिन दुनिया वालों, तुम लोग तो दुनिया को तरजीह देते हो, बल तुसिरून अलहयात अद्दुनिया, तुमको मालूम है आखिरत वो दुनिया से बहुत बेहतर है और हमेशा हमेशा की वो रहने की जगह है, बाकी रहने वाली चीज़ है। वल आखिरत खैरुन व अबका, ये आयतों को जिक्र करके अल्लाह अपने बंदों को आखिरत की तरफ बुलाना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सामने दुनिया भी है और अल्लाह के सामने आखिरत भी है, और दुनिया भी अल्लाह ने बनाई, आखिरत भी अल्लाह ने बनाई, तो बनाने वाले को ज्यादा मालूम होता है कौन सी चीज बेहतर है। दुनिया के बारे में तो फरमाया कि जब से मैंने दुनिया बनाई है आज तक इस दुनिया को मैंने मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। ये कौन कह रहा है? जिसकी दुनिया है वो कह रहा है, बनाने वाला खुद कह रहा है, ये खालिक कह रहा है, ये मालिक कह रहा है, मेरे और आपके रब कह रहे हैं कि इस दुनिया को मैंने मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। और आखिरत की बारी आई, अल्लाह हू अकबर। कुरान करीम का आप लहजा देखें, अल्लाह ताला ने क्या
बात उठाई है दुनिया का तस्करा करके और दुनिया की बेसुबाती को बता करके और ये समझा करके कि अगरचे तुम लोग दुनिया को तरजीह देते हो लेकिन याद रखना बल तुसिरून अल हयात दुनिया, अगरचे खुलासा ये है कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो लेकिन ये सुनो बनाने वाला क्या कहता है, तुम्हारा रब क्या कहता है, तुम्हारा पालनहार क्या कहता है, तुम्हें जिंदगी देने वाला क्या कहता है, तुम्हें मौत देने वाला क्या कहता है, तुम्हें कब्र में मीठी नींद सुलाने वाला क्या कहता है, तुम्हें कब्र में जो अल्लाह काम आएगा वो अल्लाह क्या कहता है, जिस अल्लाह के पास जाना है वो रब तुम्हारा क्या कहता है, सारी दुनिया की माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह, अरे लोगों सुनो वो तुम्हारा खालिक तुम्हें क्या कहता है, वो यूं कहता है वल आखिरत खैरुन वअबका, कि आखिरत जो है ये बहुत बेहतर है दुनिया के मुकाबले में और हमेशा बाकी रहने वाली है। इसीलिए सहाबा ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत में गुजारी, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ज़िंदगी गुजारी। अभी कर्नाटका के सफ़र से आना हुआ, हमें पता चला कि 3 दिन पहले वहाँ एक जगह है मुन्नोली, वहाँ के अमीर साहब का इंतकाल हो गया। उनके दामाद मेरे पास आए, मुझे कहा मौलाना साहब मेरे खुसर तो बड़े ही अल्लाह वाले थे लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, मैं तो उन्हें नॉर्मल समझता था, उनके पास जाता था, उनके पास जाके बैठता था। अरे भाई अल्लाह वालों के कोई सींग थोड़ी होते हैं और कोई ऐसी ख़ास चीज़ उनके साथ थोड़ी लगी हुई होती है, तो उनको तो उनकी ज़िंदगी में पहचानना होता है। हम लोग कहते हैं वो फलां अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, यार मैं बहुत अफसोस हो रहा है। एक बात याद रखना, किसी के इंतकाल के बाद अगर किसी को याद किया जाए इसको कदर नहीं कहते, इसको अफसोस कहते हैं। कदर उसको कहते हैं जो ज़िंदगी में की जाए और बाद में अगर पछताया जाए उसे अफसोस कहते हैं। यही हाल माँ बाप का है, माँ बाप हैं तो इंसान नाकदरा होता है और जैसे ही बाप का जनाजा उठे माँ का जनाजा उठे कई रात उसे नींद नहीं आती है, कब्रिस्तान के चक्कर लगाता है, सारी दुनिया की रौनकों के बावजूद अच्छी कार अच्छा बंगला अच्छा मोबाइल अच्छी चीज़ें अच्छे पैसे ये सारी नेमतों के बावजूद उसे ज़िंदगी गुजारने की मज़ा नहीं आती है। वजह क्या है, कहता है मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अरे तेरे अब्बू तो तुझे समझ नहीं आते थे, कहा इंतकाल के बाद समझ आए कि कौन सी हस्ती दुनिया से गई। हाँ अगर इंतकाल के बाद समझ आए तो उसको अफसोस कहते हैं, अगर उनकी मौजूदगी में समझ में आए तो उसको कदरदानी कहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो हमारे बड़े मौजूद है हम उनकी कदर करें। हदीस शरीफ में है अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, तुम्हारे लिए बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ रहने में। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, बहुत छोटा बन करके हमें अल्लाह के दीन की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के दीन की मेहनत भी करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के करेंगे। अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो, हर ताजिर अपनी तिजारत में कैसे नफ़ा हो जाए, कैसे बढ़ोतरी हो जाए, कैसे फ़ायदा हो जाए, कैसे हम आगे बढ़ जाए, कैसे हम करोड़ोंपति बन जाए। ताजिर अपना दिमाग लगाता है, अपनी सोच लगाता है, अपनी फिक्र लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, अपनी कोशिश लगाता है और उसके पीछे कुर्बानी देता है, तब जाके वो चीज़ वजूद में आती है और अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं अल्लाह का दीन कैसे पूरी दुनिया में आम हो जाए, इसके लिए दिमाग लगाओ, सोच लगाओ, सबसे बड़ा दिमाग ये लगाओ कि हम दुआओं में अपने औकात को बढ़ाओ। हमारे यहाँ नवसारी में एक इत्र वाले बेचारे दुकान शुरू करते चलती नहीं, घाटा हो जाता, नुकसान हो जाता। एक जगह उन्होंने दुकान शुरू की, बड़ी तेज़ी से चल गई। हमें भी खुशी हुई कि चलो अल्लाह ताला किसी को रोज़ी दे रहा है, किसी को रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह ताला जब किसी को नवाजे ना उस पर खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्या हमारा फुला भाई है, अल्लाह ताला उसको दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसको नवाज रहे हैं, चाहे दीनी एतबार से नवाजे, दुनियावी एतबार से नवाजे। क्योंकि अगर खुश नहीं होंगे तो फिर दिल के अंदर हसद पैदा होगा, जलन पैदा होगी और ये वो जलन है जो इंसान की नेकियों को खा जाती है। एक तो हमारे पास नेकियाँ ही बहुत थोड़ी सी है और वो भी अगर कोई चीज़ खा जाए तो कितनी
चीज़, नुकसान की चीज़ है। फरमाया हसद ऐसी चीज़ है जो इंसान की नेकियों को खा जाती है। कैसे खा जाती है? फरमाया जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह हसद इंसान की नेकियों को खा जाती है। ये एक दीमक जैसी है, और हसद का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। हसद जो होता है ना, हसद करने वाला, वो खुद ही बेचारा अंदर से जलता रहता है। जिस पे हसद कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी खुशी में खुश है, और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। जो हासिद होता है वो खुद जलता रहता है, और जलता है तो अपना ही नुकसान करता है। हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं, जो हासिद होता है ना वो खुद जलता है, हम क्यों उसको देख के जलते हैं। बड़ा अजीब जुमला हजरत ने इरशाद फरमाया। तुम कहते हो कि भाई ये मुझसे हसद करता है, तो ये तो जल रहा है, ये अपना नुकसान कर रहा है, जिस्मानी नुकसान, रूहानी नुकसान, अल्लाह की नज़र से गिर रहा है। फिर हजरत बड़ा अजीब जुमला कहते हैं, जल तो वो रहा है, तुम क्यों उसको देख के जल रहे हो? वो उसका काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, दुआ कर दो उसके लिए। आप कहेंगे कि हासिद अल्लाह की नज़र से क्यों गिर जाता है? ऐसी क्या बात है, वो तो किसी इंसान से वो कर रहा है, कि इसके पास ये नेमत क्यों है? अरे बहुत बड़ी बात है, वो अल्लाह ताला को यूं कहना चाहता है, अपनी ज़ुबान में कहूँ कि अल्लाह आपने उसको वो चीज़ मुझे पूछे बगैर क्यों दी? आप मेरे को पूछते पहले, मेरे से मशवरा करते, आपने मुझे बताया ही नहीं और मेरे पूछे बगैर वो चीज़ उसको दे दी, और अल्लाह आपके इस फैसले पर नऊज़ु बिल्लाह मैं खुश नहीं हूँ। अल्लाह, ये शिर्क जैसी बात है। वो जो दो पार्टनर होते हैं ना एक दुकान पर, वो एक पार्टनर अपनी मर्जी से कोई काम कर दे तो दूसरा पार्टनर उस वक्त कहता है कि ये आपने मुझे पूछे बगैर क्यों किया, जबकि हम लोग दोनों पार्टनर हैं, हम लोग दोनों शरीक हैं, हमसे पूछ तो लेते, हमसे इजाज़त तो ले लेते। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ? तो ये गोया बात ऐसी कर रहा है जैसे कोई अल्लाह का पार्टनर हो कि अल्लाह आपने उसको वो चीज़ दी ना, इस पर मैं खुश नहीं हूँ, इस पर मैं राज़ी नहीं हूँ, आपने उसको फुला नेमत क्यों दी? और ये अल्लाह ताला को इस किस्म की बात कहना दिल से, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। इन्नल्लाह ला यन्ज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यन्ज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखते, कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना बदसूरत है, अल्लाह ये नहीं देखते, कौन मालदार है, कौन गरीब है, अल्लाह ये नहीं देखते। वलाकिन यन्ज़ुरु इला कुलूब, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं, मेरे दिल को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं। इसीलिए फरमाया मेहनत का अगर कोई मैदान हो तो वो दिल है। अगर कोई मेहनत करना चाहता हो अपने दिल पर मेहनत करे, क्योंकि ये दिल बादशाह है। जब ये सवर जाता है तो फिर जिस्म से निकलने वाले आमाल सवर जाते हैं। इन्ना बनी आदम फिल जसद लमुगा, बेशक बनी आदम के जिस्म में गोश्त का एक लोट ठड़ा है। इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लो, जब वो सवर जाता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल सवर जाते हैं। वा इदा फसदत फसदल जसद कुल्लो, जब वो गोश का लोठड़ा बिगड़ जाता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल बिगड़ जाते हैं। अला ए लोगो सुनो, खबरदार हो जाओ, वही अल कल्ब, वो दिल है। दिल सवरता है तो इंसान के आमाल सवर जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो इंसान के आमाल बिगड़ जाते हैं। दिल पर कैसे मेहनत करें? का मुस्तकिल इस दिल पर मेहनत करें, इस दिल पर फोकस करें, इस दिल पर मुतवज्जे रहें कि ये दिल अच्छा बने, और जो चीज़ इस दिल को बिगाड़ने वाली है उससे बड़े चौकन्ना रहें। हमने देखा जो शानदार बंगला बनाना चाहते हैं वो दो तीन साल तक लगातार बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी ताखीर के, अपना दिल, दिमाग, पैसा सब कुछ उस तरफ लगा देते हैं और वहीं खड़े रहते हैं और मेहमानों को देखते रहते हैं तामीर कैसी हो रही है,
काम कैसा हो रहा है, बुनियाद कैसी पड़ रही है और टाइल्स कैसी पसंद करनी है, नल कैसे लेने हैं और फर्नीचर कौन बनाएगा और सीलिंग की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए और इंजीनियर कौन रहेगा और हमारी बिल्डिंग का जो नक्शो निगार जो है ये कौन करेगा और कलर कौन सा पसंद करना चाहिए। हर मौके पर उनकी ये चाहत होती है कि हमारा बंगला बड़ा शानदार हो जाए और हर वो चीज़ जो बंगले को नुकसान पहुँचाए उस पर पूरी तरह तवज्जो रखते हैं कि हमारे बंगले को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारे बंगले में कोई चोरी ना हो जाए, हमारे बंगले में कोई घाटा ना हो जाए, हमारे बंगले में कोई फजूल काम ना हो जाए। ये मेहमान लोग हैं, ये हमसे हमें नासमझ होने की वजह से हमसे ज़्यादा पैसा ना ले लें। कोई चीज़ ख़रीदने से पहले 3 दुकान में जाते हैं, रेट मालूम करते हैं और उसके बाद वो चीज़ ख़रीदते हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से बंगला बनाने वाले को क्या फिकर, क्या लगन, क्या मेहनत, क्या तड़प, क्या कोशिश, क्या दर्द, क्या सोच, क्या प्लानिंग, पूरे 2-3 साल लगा देते हैं। उन्हें मालूम है कि मुझे 25-30 साल के करीब का अरसा इस बंगले में गुजारना है तो मैं मेहनत क्यों ना करूं। मेरे अजीजों, जिसको 30-40 साल रहने का अंदाज़ा हो, वो एक घर के पीछे ऐसी मेहनत करता हो तो मेरे अजीजों आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है, ला महदूद ज़िंदगी है, कभी न ख़त्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। और जन्नत जो है ये चटियल मैदान है, एक ये अमल करो दरख्त लगाओ, फुला अमल करो महल बनाओ, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, एक सुबहान अल्लाह पढ़ो तो उसका सवाब बहुत पहाड़ से ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो उसका सवाब बहुत पहाड़ से ज़्यादा, अल्लाहु अकबर पढ़ो उसका सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा, 6 रकात अवाबीन की पढ़ो तो 12 साल मकबूल इबादत का सवाब। और ये जो ईद की रात है, दोनों ईदों की रात बड़ी मुबारक रात, बड़ी कीमती रात, बड़ी पुर रौनक रात। फरमाया कि ये ईदेन की रात में जो आदमी सवाब की नीयत से जागता है तो जिस दिन, एक वो दिन आने वाला है जिस दिन सब लोगों के दिल मर जाएंगे, दिल मर जाएंगे और उस वक्त भी उनका दिल जिंदा रहेगा जो ईदेन की रात में सवाब की नीयत से अल्लाह की इबादत करते हुए जागता होगा। ये बड़ी मुबारक रात है। कुछ रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह खैर का दरिया बहा देते हैं। एक तो शबे बरात, उसकी रात, उसमें भी अल्लाह खैर का दरिया बहा देते हैं। मेरे अजीज़ों, एक ईद उल फितर की रात और एक ईद उल अज़हा की रात, कुछ रातें ऐसी हैं मेरे, इसमें से एक आज की भी रात है। ये कोई मामूली रात नहीं है, ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी कीमती रात है, बड़ी पुर रौनक रात है। यूँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, 5 रातें ऐसी है जिसमें की गई दुआएं रद्द नहीं होती, यानी अल्लाह ताला वो 5 रातों में दुआओं को कबूल फरमाते हैं। मेरे अजीज़ों, उसमें से भी ये ईद की रात है, आज की रात है, ये वो रात है जिसमें दुआएं कबूल होती है। मेरे अजीज़ों, जब दुआएं कबूल होती है तो हमें तो खूब दिल भर के, खूब जी भर के अपने अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला देकर खुश होते हैं, मांगने वाले को बड़ा पसंद फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया, मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहें किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज़, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़। हदीस शरीफ में प्यारे नबी ने क्या खूब जुमले इरशाद फरमाए दुआओं के मुतालिक, अल्लाह से मांगने के मुतालिक। फरमाया कि दुआ तो मोमिन का हथियार है, एक मौके पर फरमाया कि दुआ तो ऐन इबादत है, एक मौके पर फरमाया कि दुआ तो इबादत का मकसद है, एक मौके पर फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर पसंदीदा कोई अमल नहीं। अल्लाहु अकबर, दुआ जो है ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। और आज की जो रात है इसमें इबादत करने का सवाब ऐसा ही है, अगर आज की रात कोई इबादत करे वो ऐसा ही है गोया कि उसने शबे कदर में इबादत की।
वो ऐसा ही है गोया कि उसने शबे कदर में इबादत की। और कितनी मुबारक रात है, जब ये रातों का तस्कर आया अल्लाह ताला कुरान करीम में कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, वल फजर वलयालिन आशर, अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम खाते हैं और ये दस रातों की भी कसम खाते हैं। जमहूर मुफस्सिरीन इस तरफ गए कि ये दस रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की पहली दस रातें, अशरे ज़िलहिज्जा की दस रातें। एक सवाल होता है अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत, एक बात याद रखना अल्लाह ताला कभी भी यकीन दिलाने के लिए कसम नहीं खाते, अल्लाह को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की हर बात यकीन के लिए काफी है, अल्लाह का इशारा यकीन के लिए काफी है। फिर अल्लाह ताला क्यों कसम खाते हैं, चांद की कहीं कसम खाते हैं, कहीं सूरज की कसम खाते हैं? अल्लाह तबारक व ताला उस चीज की अहमियत को बताना चाहते हैं कि यह भी दुनिया में बड़ी अहम चीज है। उस चीज़ की अहमियत को बताने के लिए नबी के अखलाक के बारे में कसम खाकर फरमाया कि प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बड़े बुलंद पाए के हैं, उसकी अहमियत उम्मत को बता रहे हैं कि देखो नबी के अखलाक बड़े बुलंद पाए के हैं और अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम नबी की नकल उतारना, और नबी की नकल उतारने में एक बेहतरीन नकल अच्छे अखलाक है। इसी अखलाक की वजह से आका ने दुनिया के लोगों का दिल जीता, मदीना मुनव्वरा के लोगों का दिल जीता। फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, फरमाया मदीना मुनव्वरा जो फतह हुआ वो अच्छे अखलाक से फतह हुआ। आप देखें कुफारे मक्का को प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह का कुरान नाजिल हो रहा है वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, वही आ रही है वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, प्यारे नबी को देख रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, सहाबा का दीदार कर रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, सहाबा अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, चुपके चुपके प्यारे नबी का कुरान सुन रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, आप हिजरत फरमा रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, सहाबा हिजरत फरमा रहे हैं देख रहे हैं कि अल्लाह के दीन के खातिर सारे जान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया और अल्लाह के दीन के खातिर हिजरत कर गए, ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, मदीना मुनव्वरा जाकर अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। बदर में कैदियों को पकड़ा गया, हालांकि बड़ा सताया है कुफार मक्का ने, एक बड़े लश्कर को लेकर आए हैं बदर में मुकाबला करने के लिए और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, और मुसलमानों ने उनके कैदियों को फिदिया देकर छोड़ दिया, उसके बावजूद वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। उहुद में आए और बड़ी शान से मुकाबला हुआ, सारी दास्तान देखी, ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। ग़ज़वे खंदक में और बड़ी मुंह की शिकस्त खाई है और बड़े लश्कर को लेकर आए, सिर्फ मक्का को नहीं अतराफ वालों को, आसपास के देहात वालों को ऐलान किया कि चलो हम लोग सब मिलकर हल्ला बोल देते हैं और ये मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। ये मदीना मुनव्वरा में चंद लोग हैं जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द हो गया है और ये हमारे जो है माबूदों को बुरा भला कहते हैं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सहाबा के साथ मशवरा फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खंदक खोदने का मशवरा देते हैं और बड़ी सख्त ठंडी है, खंदक खोदी जा रही है, जगह तय की गई, इतनी खंदक ये खोदे, इतनी खंदक ये खोदे, दस दस लोग तय किए गए। मेरे अजीजों बिल्कुल हमारे नबी काम में बराबर के शरीक थे, एक दस की जो जोड़ी बनी उसमें प्यारे नबी का भी नाम था और हमारे नबी ने भी पूरा बराबर का खंदक के खोदने में हिस्सा लिया। जब मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी आका भी बराबर मस्जिद नबवी की तामीर में लगे हुए थे, ये नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ मैं काम नहीं करूँगा आप काम करें, ना ना ना, सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम हुआ करता है और अंबिया खिदमत गुजार हुआ करते हैं, और ये वो सिफत है जो मेरे अंदर भी हो आपके अंदर भी हो, रहती दुनिया के इंसानों तक हो, क्योंकि खिदमत ही एक ऐसी चीज़ है कि खिदमत की वजह से इंसान अल्लाह का भी महबूब हो जाता है और अल्लाह की मखलूक का भी महबूब हो जाता है।
तो खंदक का मौका है, देख रहे हैं बड़ी कड़ाके की ठंडक है और पूरा अरब जो है एक तरफ है और मुसलमान लोग बेचारे एक तरफ है, उसके बावजूद मुसलमानों की जीत होती है, कुफार लोग हार जाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, फिर भी ईमान नहीं लाते। खैबर का वाकया पेश आता है, फिर भी ईमान नहीं लाते। अरे हमारे नबी हज्जतुल वदा हो रहा है और हज किया जा रहा है, इससे पहले एक मौका उम्रे का आया और वो उम्रा किया जा रहा है, देख रहे हैं मुसलमानों को कि ये मुसलमान लोग तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ऐसे अल्लाह को मना रहे हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, मुल्तजम पर चिमटते हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी का बुरा भला नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, उसके बावजूद ये लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। इतनी चीज़ें हुई, अल्लाह अकबर, फिर ईमान लाए हैं तो वो प्यारे नबी के अखलाक पर ईमान लाए। कि आज एक सहाबी ने ऐलान किया कि आज अलयौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है। खुलासा यह है कि मक्का वालों, तुमने हमें बहुत सताया, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, हमारे घरबार को छोड़ने पर मजबूर किया, यह बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा कोई करीब थोड़ी ना है, वो 450 किलोमीटर का सफर है, और मक्का मुकर्रमा वालों का घर मक्का में, बिजनेस मक्का में, पैसे मक्का में, जमीन मक्का में, चीजें मक्का में, और सारे घर को छोड़कर, पता है मैं घर छोड़ के जाऊंगा, गैर लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। आज इंसान अपनी जमीन का एक मामूली हिस्सा छोड़ने तैयार नहीं होता, और ये लोग थे अल्लाह को राजी करने वाले, अल्लाह के नाम पर मर मिटने वाले, अपने अल्लाह से लो लगाने वाले। और अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को ऐसी मुबारक जमात अता फरमाई थी, मेरे अजीजों क्या कहने सहाबा के। मुहाजिरीन सहाबा बड़ा ऊंचा मकाम है खुदा के दरबार में, इन लोगों का ये सारी चीजें देख रहे हैं, उसके बावजूद ईमान नहीं ला रहे, वो ईमान ला रहे प्यारे नबी के अखलाक को देख करके, सहाबा के अखलाक को देख करके। इसीलिए फरमाया कि आज की दुनिया में लोग जो अल्लाह को पहचानेंगे और अल्लाह की तरफ आएंगे और रुजू इलल्लाह और इनाबत इलल्लाह जो होगा वो मुसलमानों के अखलाक पर होगा। अच्छा अखलाक, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी जुबान, ठंडा दिमाग, माफ़ कर देना, सह जाना, बर्दाश्त करना, गुस्से को पी जाना, अपने हुकूक को माफ़ करते हुए सामने वालों के हुकूक की रियायत करना, हुस्ने अखलाक से पेश आना, पता चले कि ये नबी के ग़ुलाम लोग हैं, ये बदला लेना नहीं जानते, ये माफ़ कर देना जानते हैं, ये मुस्कुराते हुए मिलना जानते हैं, ये मुश्किलों में खड़े रहना जानते हैं, खुशी के वक्त में साथ देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, मुश्किल के वक्त में साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए फरमाया अहसिन इला मन असा इलै, जो आपके साथ बुराई का मामला करे ना उसके साथ भी अच्छाई का मामला करो। अल्लाह अकबर। और इंसान क्या करता है, जो अच्छा रखता है उसके साथ ये अच्छा रखता है, और यूं कहा जो बुराई का मामला करे उसके साथ भी अच्छाई का मामला करो। मेरे अजीजों, ये आजीज ये कहना चाहता है कि जो चीज़ बाजार में कम होती है उसका रेट बढ़ जाता है। अभी हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों नींबू कम हो गए थे, इसीलिए नींबू का रेट बहुत बढ़ गया, 50 रुपये किलो हो गए, 100 रुपये किलो हो गए, और मार्केट में और कम हुए तो 150 रुपये किलो हो गए, 190 हो गए, 200 हो गए। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नींबू भी कभी 300 रुपये किलो होंगे, 300 रुपये किलो हो गए नींबू। क्या वजह है? फरमाया कम हो गए, जहाँ से आ रहे हैं ना वो आना माल कम हो गया, 10 किलो आ रहे हैं तो उसकी जगह 3 किलो आ रहे हैं, इसीलिए नींबू महंगे कर दिए। तो नींबू महंगे हुए तो क्या हुआ? फरमाया लेने वाले लोग भी कम हो गए, 1 किलो लेने वाले 250 ग्राम लेने लग गए, और उनको पता चला कि अब 1 किलो लेने वाले 250 ग्राम लेंगे तो अब जो है हमारे यहाँ नींबू का स्टॉक खत्म नहीं होगा। अब जब नींबू का स्टॉक ख़त्म नहीं होगा तो एक जो सिस्टम है, एक जो निज़ाम है वो सही तरीके पर चलेगा, और चाहे थोड़े से महंगे नींबू आ रहे हैं और लोगों को उस सिलसिले में बड़ी आसानी हो जाएगी, और ज़रूरत के वक्त जब ज़रूरी चीज़ होगी तो वो लिया जाएगा। हमने देखा बड़ी बड़ी आलीशान होटलों में जहाँ एक एक डिश 500-500 रुपये की हुआ करती है, उन्होंने भी नींबू रखना बंद कर दिया। उनसे पूछा गया आप नींबू क्यों नहीं रखते, उन्होंने कहा आपको नींबू का मार्केट मालूम नहीं। हमारे यहाँ मामरे वालों ने भी नींबू रखना बंद कर दिए, चिखली के बड़े मशहूर है, नींबू बंद।
भाई नींबू बगैर कैसे खाए, आप 10 रुपए का एक रख लो। बोले ना ना ना, नींबू रखने ही नहीं, 300 रुपये किलो हो गए। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो चीज़ कम होती है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी रेट बढ़ जाती है। फिर जब इंसान मार्केट में जाता है तो उसकी नज़र टमाटर पर नहीं पड़ती है, प्याज पर नहीं पड़ती है, सबकी नज़र नींबू पर। नहीं लेने हो तो भी पूछेगा ये नींबू कितने रुपये किलो है, हालांकि उसको लेने नहीं है, बस पूछेगा, मालूम करेगा, मालूमात हासिल करेगा। अखबार में भी यही और चौराहों पर भी यही, घर में भी यही मुजाकरा, दोस्तों में भी यही मुजाकरा, नींबू का क्या हालचाल है, कितने रुपए किलो है। ओ भाई तुझे लेने हो तो ले ले, ना लेना हो तो ना ले। वो 3-4 साल में एक ऐसा वक्त आता है कि जब नींबू का रेट बढ़ जाता है, उस वक्त नींबू महंगे ही हो जाते हैं, और उसके बाद नींबू का रेट उतर जाता है, और जब नींबू का रेट उतरता है तो फिर नींबू का तस्करा ही चला जाता है। फिर हर दस्तरखान पर नींबू दिखना शुरू हो जाते हैं, होटलों में दिखना शुरू हो जाते हैं, कभी फैमिली भी नहीं पूछती, दोस्त अहबाब भी नहीं पूछते, और उसके बारे में नए नए जोक्स मोबाइल पर भी नहीं आते, बिल्कुल उसका तस्करा मुआशरे से गायब हो जाता है। वजह क्या है कि नींबू आम हो गए। तो जब नींबू आम हो जाए तो बेकीमत हो जाए, और नींबू कम हो जाए तो वो बाकीमत हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अच्छे अखलाक वाले पूरे वर्ल्ड लेवल पर कम लोग हैं, इसलिए ये जहाँ कहीं भी हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इनका रेट ज़्यादा है, जिस जगह बैठे हैं इनका मकाम ज़्यादा है। चाहे वो अच्छे अखलाक वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अगर उसके अच्छे अखलाक है तो उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है, इंसान उसको इंसानियत के नाते बड़ी अच्छी नज़र से देखता है। हमें भी फरमाया अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनुहुम खुलुका। खुलासा ये, इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि उसके अच्छे अखलाक नहीं होते। अगर कोई इंसान चाहता है मेरा ईमान कामिल हो जाए, फरमाया तू अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले। हम रोजा रखते हैं, वो हमारे पेट में होता, गैरों को उसका पता नहीं चलता। हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, गैरों को उसका पता नहीं चलता। हम जकात मुसलमानों को देते हैं, गैरों को उसका पता नहीं चलता। हम हज बैतुल्ला शरीफ में करते हैं, वहां गैर को एंट्री नहीं है। फरमाया हमारी कौन सी चीज है जो गैरों के सामने आती है और वो दावत बन के पेश हो जाती है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाज़े मुसलमान तो बड़े ही अच्छे हैं, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं। लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे हैं जिसने एक के भी अखलाक देख लिए हो वो यूं कहता है तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा कुछ मामला ऐसे लोगों के साथ पड़ा होगा। मेरा जिन मुसलमानों के साथ मामला पड़ा है उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में प्यारे नबी के अखलाक को बता रहे हैं, उसकी अहमियत को बता रहे हैं, उसकी आजमत को बता रहे हैं, और कसम खा रहे हैं وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ। प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 रातों की कसम। 10 रातों से मुराद जमहूर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये 10 रातों से मुराद पे अशरे ज़िलहिज्जा की 10 रातें, जो तकरीबन 9 रातें तो गुजर चुकी, आज की रात आखिरी रात है। रमज़ान में हमें पता नहीं शब कदर कौन सी थी, 21 थी, 23 थी, 25 थी, 27 थी, कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता ये रात शब कदर थी। लेकिन अगर कोई ये अशरे ज़िलहिज्जा की रातों में इबादत करे वो यकीन के साथ कह सकता है आज की रात शब कदर की इबादत के द्वारा। आज शब कदर में जो इबादत का, जो आज की रात में अगर कोई इबादत करे ऐसा ही है गोया कि उसने शब कदर में इबादत की। ये 10 रातें बड़ी मुबारक है, ये 10 दिन भी बड़े मुबारक थे। इसमें एक दिन रोज़ा रखने का सवाब ऐसा था कि अगर कोई एक दिन रोज़ा रखे पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब। ये 9 दिन के रोज़े 9 साल रोज़े रखने का सवाब। हमारे यहाँ हम रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा सही मानों में नहीं रख पाते थे, कौन रखेगा 9 साल के रोज़े। लेकिन अल्लाह कभी कभार जो है इस तरह की बार बार ऑफरें लाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी मुख्तसर है, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेश की है। तो अल्लाह ताला हमारे सामने ऐसी ऑफरें लाते हैं कि तुम 9 दिन रोजा रखो और 9 साल रोजे का सवाब ले जाओ। अल्लाह के खजाने देने के लिए, लेने के लिए नहीं, अल्लाह ताला देने के लिए, नवाजने के लिए तैयार है। कहां है लेने वाले? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजे रखे
हमारे यहाँ डाभेज मदरसे की जमात आई थी एक दिन की, बेचारे पूरा हफ्ता बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, सीधा साधा खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जमात आती है तो बस्ती वाले कुछ अच्छे में अच्छी दावतें कर देते हैं। तो मेरी फजर की नमाज के बाद बात थी, एक शख्स मेरे पास आए तालिब इल्म, कहने लगे मौलाना हम 17 साथी है, थोड़ा सा मुख्तसर सी आप बात कर लेना। मैंने कहा क्या वजह है? बोले बड़ी मुबारक रात है अशरे ज़िलहिज्जा की, तो साथी लोगों ने रात में इबादत की, बड़े लेट सोए और उसके बाद सहरी की है और उसके बाद से अभी तक सोए नहीं है। मैंने कहा आप लोगों का रोज़ा है? आप में से कितनों का रोज़ा है? सब नीचे देखकर शर्मिंदा हो गए। और अमीर साहब ने कहा मौलाना साहब ये 17 मदरसे के बच्चे हैं और 17 और 17 के रोज़े हैं। अल्लाह, हमारे यहाँ बड़ा आलीशान उनका नाश्ता होता है, बड़ा आलीशान दोपहर का खाना होता है, साफ कुर्बान कर दे, क्या बात है? पता है कि कमाई की सीज़न में कमाना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना साहब ये सब बातें 10 दिन पहले होनी चाहिए थी, आप अभी कर रहे हैं जब सीज़न ख़त्म हो रही है। क्या करें, उस वक्त मैं भी सफ़र में था, मौका ही न था। अल्लाह ताला हमारी गफलतों को माफ़ फरमाए, लेकिन जिक्र इसलिए कर देता हूँ, ज़िंदगी मौत का क्या पता, आइंदा साल भी इस बात को याद रखना और तय करना कि इंशाल्लाह आपके बाद वसूल करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग हैं जिन्होंने 9 दिन के रोज़े रखे, आज अरफा का रोज़ा था, बड़ा मुबारक रोज़ा, एक साल अगले गुनाह माफ़, एक साल पिछले गुनाह माफ़। जिन्होंने रोज़ा रखा वो तो भूल भी गए। हाँ, नेकी में मशक्क़त होती है, मशक्क़त ख़त्म हो जाती है, सवाब बाकी रह जाता है। ऐसा लगता है शैतान डराता है कि यार तुझे काम बहुत है, तू रोज़ा नहीं रख सकेगा। ज़रा उसको कहते तो सही कि मैंने गर्मी में रोज़े रखे तो अभी तो ठंडक चल रही है, अभी कौन से मुश्किल है, अभी तो सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत थी, हिम्मत बताने की ज़रूरत थी, और अगर हिम्मत ना कर सके और ना रख सके तो आज की रात रोने की ज़रूरत। अगर आज की रात रोए भी नहीं तो फिर अफसोस की बात है कि न कमाए न अफसोस की। क्या पता आज की रात रोने की वजह से, उसके सामने हाथ फैलाने की वजह से शायद उसको रहम आ जाए और उन लोगों को जो अता फरमाया वो हमें भी अता फरमा दे, क्योंकि वो मालिक है, वो बादशाह है, वो शहनशाह है, और अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक तेरा अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर। और ये 10 दिनों में नेकियों का सवाब भी बहुत ज़्यादा, अभी कल हमारे पास एक दिन है, तरगीब व तरहीब की रिवायत के मुताबिक एक नेकी 700 गुना के बराबर हो जाती है। एक सुबहान अल्लाह पढ़ो 700 सुबहान अल्लाह का सवाब, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो 700 अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब, एक रुपया सदका करो 700 रुपये सदका करने का सवाब। अल्लाह अकबर कबीरा, दिन भी बड़े मुबारक और रातें भी बड़ी मुबारक। और यूँ फरमाया कि ये 10 दिनों में जो अमल किया जाए वो अल्लाह को पूरे साल में किए गए हुए अमल से ज़्यादा पसंद है। कि एक अमल आप साल में किसी और दिन करो और एक अमल वो आप ये 10 दिन में करो। अभी भी हमारे पास एक दिन है, कल का दिन बड़ा मुबारक है, वो 700 नेकी वाला कल भी मिलेगा। हाँ, कल रोज़ा रखना हराम है। रोज़े के बड़े फजाइल है, रोज़ा रखने पे अल्लाह मिल जाता है, इतने फजाइल है रोज़े रखने के, और रोज़ा रखना हराम हो गया। अब अगर रोज़ा ईद के दिन रखोगे फरमाया अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या बात समझ नहीं आ रही? क्या समझ में आए ना आए, यहाँ शरीयत है, हमारा दिमाग नहीं चलता, अल्लाह उसके रसूल जो कहें वो करने का, जिससे रुक जाए उससे रुक जाए। हमारी सोच छोटी है, हमारा दिमाग छोटा है। अल्लाह ताला की मेहमानी का दिन है, अल्लाह की खुशी का दिन है। कल कोई रोज़ा नहीं रख सकता, ईदेन में कोई रोज़ा नहीं रख सकता, ईदेन में रोज़ा रखना हराम है। मेरे अजीज़ों, ये 9वीं ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा था, एक साल अगले गुना माफ़, एक साल पिछले गुना माफ़, ये 10 दिनों में किए हुए अमल अल्लाह को बहुत पसंद। और कल का जो दिन है ये बकरीद का दिन है, ये खुशी का दिन है। और आपको पता है जब अब्बू खुश होते हैं ना तो बच्चा 2 बात ज़्यादा रख देता है, पता है कि खुश है तो ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, कभी बच्चे कहते हैं कि अब्बू खिलौने चाहिए, मैं खिलौने की दुकान पर ले जाता हूँ, और कभी खुशी के मूड में होता हूँ तो देखते हैं एक ले लेते हैं, फिर कहते हैं ये भी चाहिए ये भी चाहिए। मैंने कहा यार ये बच्चे भी बड़े समझदार हैं, ये बाप का मूड देखते हैं कि अब्बू खुश है, ये भी दिला देंगे ये भी दिला देंगे ये भी दिला देंगे। गुज़िश्ता कल ही मैं कर्नाटका के सफ़र से आया तो मैं छोटे बच्चे को लेकर एक जनरल स्टोर में गया, तो उसने कहा अब्बू मेरे को ये केक चाहिए। मैंने कहा यार मैं इतने दिन सफ़र से आया, चल केक ले ले। उसने कहा कि ये मुझे कैंडल जो ये भी चाहिए।
मैंने कहा भाई इसको ये भी दे दे। बाहर निकलते निकलते उसने मेरे को कहा अबू एक बात और, मैंने कहा क्या, वो किटकैट भी चाहिए? मैंने कहा इसको किटकैट भी दे दे। फिर मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं सफ़र में ना गया होता तो एक साथ इसको तीनों चीज़ ना दिलाता। इसने मूड देखा कि 5-6 दिन से मेरा अबू भी बाहर थे, हम फ़ोन पर बात करते थे, आज आए हैं मूड में हैं, दिला देंगे। मेरे अजीज़ों अपनी ज़ुबान में कहूँ कल अल्लाह पूरे मूड में होंगे, पूरे नवाजने के मूड में, आज भी नवाजने के मूड में, रात का जो वक्त ईदेन की रात। अरे जहां ये कहा कि सवाब की नीयत से जो इबादत करते हुए जागेगा, इसका मतलब शरीयत चाह रही है कि इस रात में अगर कोई जाग सकता हो तो जागे, अल्लाह की इबादत शरीयत की ये चाहत है। हमारे यहाँ वो ईद की रात को लोग बड़ी अहमियत दे देते हैं और इस ईद की रात को गफलत में गुजार देते हैं, हालांकि बड़े फजाइल है। ये कुछ रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह खैर का दरिया बहाते, उसमें आज की भी रात है। एक सवाल होता है कि ये 10 दिन में किए गए अमल की इतनी सब फजीलत क्यों, इतनी सब फजीलत कि भाई एक अमल रमजान में करें और वो अमल अभी अशरे ज़िलहिज्जा में करें तो अशरे ज़िलहिज्जा में किया हुआ अमल ये अल्लाह को रमजान के अमल से भी बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है आखिरकार? तो बड़े लोगों ने, गौर करने वालों ने, किताबें लिखने वाले बड़ी तह में गए और उन्होंने कहा ये 10 दिन ऐसे हैं जिसमें इंसान शरीयत के सारे अहकाम पे अमल कर सकता है, रमज़ान में सारे अहकाम पे अमल नहीं कर सकता। रमज़ान में कोई हज कर सकता है, कोई अरफात जा सकता है, कोई मुजदलिफा जा सकता है, और ये 10 दिनों में तो कहा हज भी हो जाता है, अरफात भी जाते हैं, मुजदलिफा भी जाते हैं, और रमज़ान में कुर्बानी हो सकती है? फरमाया नहीं। और अभी कुर्बानी भी हो जाती है तो रमज़ान में रोज़े होते हैं, अभी रोज़े रख सकते हैं? फरमाया हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजीलत है। तो ये वो 10 दिन है जिसमें शरीयत के सारे अहकाम पर अमल होता है, इसलिए ये 10 दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आइंदा कल सुनो, यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी के दिनों में जानवरों का खून बहाने ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे बेहतरीन अमल। फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून बहाना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इसलिए जो हजरात कुर्बानी जिन पर ज़रूरी है वो बिल्कुल कुर्बानी करें, उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। और इतनी अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल पर एक एक नेकियाँ देते हैं। आप जो है ना उसके बाल अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, इतने बाल होते हैं। और किसी जानवर के ऊपर ऊन होती है, ऊन उसके भी एक बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाते हैं। और कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो, जो साहिब इस्तेतात हो, फिर भी वो कुर्बानी न करें। खुलासा ये, प्यारे नबी फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। ईदगाह की बात बहुत दूर की, ईदगाह के करीब भी ना है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे सख्त नाराज है। और जिनकी कुर्बानी है उन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़ुबा करें। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़ुबा किया है। तो जो हजरात जिनकी कुर्बानी है वो अगर हिम्मत करें और प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करें तो ये बड़ी बेहतर बात है, मुस्तहब बात है। अगर कोई ऐसा करेगा तो सवाब मिलेगा, और अगर उसकी तरफ से कोई और कुर्बानी करेगा तो इसे गुनाह नहीं होगा। लेकिन यह है, इसे हिम्मत करनी चाहिए और कुर्बानी जो है वो अपने हाथ से अपनी कुर्बानी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द कहकर उसको ज़ुबा करना चाहिए। और एक बात याद रखना, जानवर की गर्दन में 4 रगें होती है, 4 रगें। अगर किसी ने 2 रग काटी, 3 रग नहीं काटी, 3 रगे नहीं काटी, सिर्फ 2 रगे काटी है, साफ लिखा है उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, ये कुर्बानी नहीं गिनी जाएगी, और तकरीबन ये गोश्त भी वो नहीं खा सकेगा। अगर 2 रगे कटी है, जानवर हलाल नहीं होगा, उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी जब तक के 3 रगे नहीं कटेगी। और ये कुरैशी लोग जो है ना ये अच्छी तरह जानते हैं, ज़ुबा करके एक मरतबा इन्हें पूछ लिया जाए कि ये 3 रग कट गई है, वो आपको फौरन बता देंगे जी हाँ 3 रगे कट गई है। अगर 3 रगे नहीं कटती, 2 ही रगे कटती है तो वो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। और एक बात याद रखना, हमारे यहाँ एक अजीब बात है, एक जानवर की कुर्बानी करते हैं और उसको अभी कुर्बानी उसकी हो गई, उसी के सामने दूसरे जानवर को लाते हैं, वो बेचारा दूसरा जानवर आते हुए इसको देखता है कि इसको ज़ुबा किया, वो वहीं से चिल्लाना शुरू करता है कि अब मुझे ज़ुबा करेंगे। ये इसको जो तकलीफ़ हो रही है ना, खुदा के दरबार
दरबार में इसका बड़ा ऊंचा वबाल हुआ। इसीलिए फरमाया कि यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि उसके सामने इसको जुबा किया जाए। उसको लाने तक ये पता ही न चले कि उसको जुबा किया जाएगा, उसके ऊपर तो हाथ फिराया जाए, और उसको तो यूं कहा कि पहले से अपने घर में रखा जाए ताकि जब कुर्बानी हो रही हो तो उसकी आंख में आंसू तो आए। आजकल के मालदार लोग कहते हैं हमारा घर गंदा हो जाएगा, सहन गंदा हो जाएगा। अरे सहन और ये सब गंदा नहीं होगा तो तुझे कुर्बानी के वक्त रोना भी नहीं आएगा, वो दर्द नहीं होगा, वो तकलीफ नहीं होगी, वो कुड़न नहीं होगी। और पहले ज़माने में अल्लाह वाले क्या करते थे, कई दिनों पहले कुर्बानी के जानवर को लाते, खिलाते और अच्छी तरह उसको साफ शफाफ रखते, तो कुर्बानी करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते, बच्चों के या बच्चों की हिचकियाँ बन जाती कि ये जानवर जिसको 6 महीने से हमने रखा, बड़ा प्यार से रखा, बड़ी मोहब्बत हो गई इसके साथ, आज इसको ज़ुबा किया जा रहा है, सब रो रहे हैं, ये दिल इंसान का दुख रहा है। और ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है कि इंसान को अफसोस हो रहा हो जानवर की कुर्बानी करते हो। और अफसोस किसको होगा जब रखेगा, जब वो लाएगा ही एक दिन पहले, भाई मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सेठ आदमी हूँ, मेरी मौत तो बहुत बाद में आने वाली है, तू रात में दे जाना, सुबह जुबा कर लेंगे, कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी। बोझ उतारना असल नहीं है, आशिकाना अंदाज में कुर्बानी करना ये असल। इसीलिए फरमाया हाँ तो क्या ऐसा नहीं कर सकते, ना 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 ना, अगर एक जानवर के जुबा करने के बाद उसका चमड़ा उतारने से पहले अगर दूसरे जानवर को जुबा करना है कर सकते हैं। इसके लिए एक आसान बात ये बताई है कि एक जगह पर पर्दा बांध दिया जाए, एक जानवर को जुबा करके पर्दे के अंदर कर दिया जाए, फिर दूसरे वहाँ पानी डाल दिया जाए, खून वगैरह नजर ना आए, फिर दूसरे जानवर को लाया जाए, फिर उसको जुबा किया जाए और जुबा करके फिर उसको अंदर कर दिया जाए, फिर तीसरे जानवर को लाया जाए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक जानवर वहां रखा हुआ हो उसी के सामने दूसरे को लाओ, उसी के सामने तीसरे को लाओ, यह चीज शरीयत ने पसंद नहीं की। इसीलिए फरमाया कि वो हजरात भी बड़े खसारे में है जो अपनी छुरी को तेज नहीं रखते और जानवर की गर्दन पर छुरी फेरते हुए उसको तकलीफ होती है और दोबारा फिर छुरी तेज करनी पड़ती है और वह एकदम से खड़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब मुझे जुबा करने वाले, इसको शरीयत ने बहुत नापसंद किया है। इसीलिए फरमाया कि छुरी एकदम तेज हो। मैं अपनी बात को दलील से साबित करने के लिए इस बात को पेश करता हूं कि शरीयत इसको पसंद नहीं करती कि उसको यह एहसास हो तो वो अपने सामने किसी को जुबा होता हुआ देख ले, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और हमारे यहां तो बकरे भी वहीं बंधे हुए और उसी के सामने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, वो भी बेचारा देखता है, डर जाता है, सहम जाता है, यह सब अच्छी बातें नहीं है। कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। और इसमें से जब खून निकलता है, जो गलाजत निकलती है, जो रुतुबात निकलती है, उसको दफन कर दिया जाए या उसको किसी माकूल जगह में पहुंचा दिया जाए। कुर्बानी के दिनों में हमारे इलाके गंदे ना हो, हमारे मकान गंदे ना हो, हमारी सहन गंदी ना हो, इसका ख़ास ख्याल किया जाए। और मेरे अजीज़ों ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी की जाए, कुर्बानी करने में हिम्मत करनी चाहिए। बहुत से लोग कुर्बानी में बकरा नहीं लाते, हिस्सा दे देते हैं। जो मालदार हजरात हैं उनके लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है, उनके लिए ऐसा करना अच्छा नहीं है। देखो हर जायज काम करने का नहीं होता, चाय को ठंडी करके पीना भी जायज है, कोई पीता है क्या? आइसक्रीम को पिघाल करके खाना भी जायज है, कोई खाता है क्या? थूक करके चाटना भी जायज़ है, कोई चाटता है क्या? हर जायज़ काम करने का नहीं होता। कहता है ना 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 मैं बकरे नहीं ला सकता। मेरे अजीज तू 25,000 वाला मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, तू 25 लाख के घर में रह सकता है, तेरे यहाँ शादी हो तो तू 4 लाख का सेटिंग कर सकता है। हर चीज का सेटिंग होता है, कुर्बानी का ही सेटिंग नहीं होता। अल्लाह अकबर। इंसान को चाहिए, हाँ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जानवर का खून बहाना, लेकिन अगर इंसान हर जगह खर्च कर सकता है जहाँ अल्लाह के नाम पर खर्च करने की बारी आए, वहाँ इंसान बड़ा बखील हो जाता है, उसको अपने पैसे याद आ जाते हैं, मोबाइल के वक्त उसको पैसे याद नहीं आते। अल्लाह ताला ने नवाजा हो, अच्छे में अच्छी कुर्बानी करनी चाहिए। मैं तो हिल गया अभी जब मैं भरूच गया था, मैं तो ताज्जुब में रह गया। एक शख्स ने मुझे सवाल किया, मौलाना साहब मैं सहाबा के नाम पर कुछ कुर्बानियाँ करना चाहता हूँ, तकरीबन 7 कुर्बानी, आप नाम बताएं सहाबा के। तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, मैंने कहा वो 7 हिस्से कहता होगा। बोले ना 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 ना, ना हिस्से नहीं, बकरे। बोले वो 7 बकरे, आप नाम तो बताएं।
मैंने नाम बता दिया, उसके बाद सवाल पूछा। मैंने कहा एक काम कीजिए, एक प्यारे नबी की तरफ से कुर्बानी कर लीजिए, आका के उम्मत पर बहुत एहसान है, और चार खुलफाए राशिदीन की तरफ से और मदीना मुनव्वरा गए थे तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा एहसान था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से एक कर लीजिए। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ख़जाने के दरवाजे खोल दिए थे मुसलमानों के लिए और बड़ी मदद फरमाई थी मदीना मुनव्वरा वालों की, और इस्लाम को जो गलबा हो जाए इसके लिए अपना बहुत कुछ खर्च किया था। और हमारे नबी बहुत खुश थे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ से, एक कुर्बानी आप उनकी तरफ से कर लीजिए। मैंने पूछा ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ। बोले मौलाना हमारे यहाँ आम माहौल है, हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हम नहीं, हमारे यहाँ एक शख्स है, वो पहले एक जानवर लाए, फिर दो जानवर लाए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, फिर सहाबा के नाम पर उन्होंने 20 कुर्बानियाँ की, अपनी तो अलग सहाबा की, इस मरतबा उनकी 23 कुर्बानियाँ हैं। और उनका यह अंदाज़ा है कि जब से उन्होंने सहाबा के नाम पर कुर्बानियाँ शुरू की, अल्लाह ने अपने ख़जानों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए, चूँकि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। और हम तो 100 रुपये सहाबा के इसाले सवाब के लिए देने के लिए तैयार नहीं हो। कहाँ है वो जो कभी 5,000 रुपये सहाबा के इसाले सवाब के लिए देते हो, सहाबा का एहसान समझते हो। हम तो एकदम भुला बैठते हैं सहाबा इकराम को। वो कहने लगे मौलाना साहब हमारे यहाँ तजर्बा है कि जिसने सहाबा के नाम पर कुर्बानियाँ की है अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा है। फिर एक अजीब जुमला कहा, हम तो कुछ नहीं करते मौलाना, ये 7 कुर्बानी क्या है। अभी मैं भरूच में एक जगह गया, मुझे पता चला एक शख्स सहाबा के नाम पर कुर्बानी करते, मैं उनके यहाँ बकरे देखने जाता तो मैंने 80 बकरे देखे उनके सहाबा के नाम के। ये गुदिश्ता वो सब और सहाबा के किए थे, इस साल इस सहाबी के नाम से, इस सहाबी के नाम से, इस सहाबी के नाम से 30 लाख रुपए के बकरे लाए थे फुला मुल्क से, जहां बकरे अच्छे होते हैं, बड़ी आलीशान नस्ल के होते हैं, वहां से वो बकरे मंगवाए थे। और वो सेठ ने यूं कहा कि इंशाल्लाह और 70 आने बाकी है, इस साल 150 सहाबा के नाम पर कुर्बानियां की जाए। ये ईद के दिन में कुछ कमाने वाले ऐसे भी कमाते हैं, और हम हैं कि अपने पैसे को ऐसा जमा भी रखते हैं और देखकर खुश भी हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए रख कर चले जाते हैं, और ये बच्चे बाद में हमारे लिए 500 रुपये भी सारे सवाब नहीं करते। कोई बड़े में हिस्सा ले ले साथ, और अरे कोई अपने दादा दादी की तरफ से 2 हिस्से, नाना नानी की तरफ से 2 हिस्से, 4 हिस्से हो गए, प्यारे नबी की तरफ से 1 हिस्सा, 5 हिस्से हो गए, और दो हिस्से परदादा परदादी की तरफ से कर ले। उनके बड़े एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो कुर्बानी के दिनों में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो जानवर का खून बहाना है। तो नीयत करो, तय करो, इरादा करो कि इंशाल्लाह कुर्बानी खुश दिली के साथ करेंगे। और आइंदा कल का दिन जो है वो 10वीं ज़िलहिज्जा का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वबा ये है कि कुर्बानी करके लोग जो हैं वो 11-12 बजे के करीब जब फारिग होते हैं तो सो जाते हैं और जोहर की नमाज उनकी घर पर होती है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में आके अदा करनी है। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। आज की रात में अल्लाह से मांगने की, आज की रात को वसूल करने की और दिल खोल कर कुर्बानी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। एक सवाल होता है, जो बकरा ले सकता हो वो बकरा न ले बल्कि बड़े में हिस्सा दे दे तो उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी या नहीं होगी। फरमाया हाँ हाँ हाँ, कुर्बानी तो अदा हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास हाथ में बेचारों के पास पैसा नहीं होता और उनका पैसा रुका हुआ है, हाथ में किसी वजह से आ ही नहीं रहा है, वो तो हिस्सा ले लें, लेकिन जो बकरे ला सकते हैं, जो ख़रीद सकते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तेदाद दी हुई है, वो भी कुर्बानी ना करें तो अफसोस की बात है। एक आध बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। गुज़िश्ता साल एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैं कहा कैसे हो, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, कितने बच्चे हैं, बोले 4 बच्चे। तो कुर्बानी के 2 दिन बाकी थे, बाद में मैंने उनको पूछ लिया आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं ढाबेल के पास, मैं यहाँ इस गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो अभी 2 दिन के बाद तो कुर्बानी है, बोले जी हाँ। आपके यहाँ भी होती है, बोले हाँ बहुत लोग करते हैं आसपास मौलाना। आपके यहाँ तो गोश आ ही जाता होगा, खामोश हो गए। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दूसरे दिन आ जाता है मौलाना, बहुत अच्छा खासा आ जाता है। मैंने कहा पहले दिन मौलाना, मेरी तो उम्र बीत गई,
बच्चों को देख के रहम आता है, पिछले 8 साल से दोपहर में दाल चावल खा रहे हैं, पिछले 8 साल से सबके यहाँ कुर्बानी होती है तो बच्चों का दिल छोटा हो जाता है, कहीं से नहीं आता मन। दूसरे दिन आता है, पहले दिन नहीं आता। गुज़िश्ता साल हमारे यहाँ एक शख्स ने सुनाया मुझे, मेन शहर में, बोले 4:15 बजे में गोश्त देने के लिए गया तो घर में गया तो घर वाले आमलेट पाव खा रहे थे। मैंने कहा ये क्या करते हो? अब बेटा बच्चे भी कह रहे थे अम्मी गोश्त बनाओ गोश्त बनाओ गोश्त बनाओ, 3:15 बजे तक इंतज़ार किया कोई देने के लिए ना आया तो हमने आमलेट पाव खा लिया। अगर इन्होंने जो कयामत में पकड़ा तो शायद हम कहीं के नहीं रहे। देना ही है, थोड़ा जल्दी से दे दो। खुद कलेजी खाने में ऐसे लग जाते हैं कि गरीबों को भूल जाते हैं। कहते भी अब्बा के बेटा यहाँ देके आया वहाँ देके आया, देके आऊँगा मेरे अजीज, जब देना ही है थोड़ा जल्दी दे यार, किसी गरीब के बच्चों की रूहें खुश हो जाएगी और उनका दिल खुश हो जाए। पहुँचाना है जल्दी पहुँचा दो ना, हिम्मत से पहुँचाओ, थोड़ा सा जल्दी से पहुँचा दो, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा। नीयत करो इंशाल्लाह गरीबों का ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। आज तो हमारे यहाँ फ्रीज को ही इतना भर लेते हैं, हालांकि फरमाया 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन बहुत बेहतर शक्ल है ये, इसमें सबको गोश्त पहुँचेगा और इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। हम भी गोश्त भेजते हैं कहाँ पर? बेटी के ससुराल में। वहाँ तो बोले वहाँ 5 कुर्बानियाँ हैं। क्या मतलब वहाँ भेज के? जब वहाँ कुर्बानी है तो क्यों भेज रहे हैं? बोले नहीं एक रस्म है, खुश होंगे। अरे उनको समझाओ कि हम तुम्हारे वहाँ भेजते हैं, तुम हमारे यहाँ भेजते हैं, एक काम करें हम तुम्हारा हिस्सा साइड पर करके गरीबों को भेजेंगे, तुम हमारा हिस्सा साइड पर करके गरीबों को भेजो। जिसको यहाँ बिचारे क्या होता ही नहीं उन तक तो पहुँचे। एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने ख्वाब देखा कि कुर्बानी हो गई, उसकी एक मुद्दत के बाद उसने ख्वाब देखा कि उसका बकरा जो है वो जन्नत में। तो इसकी ताबीर वो ये समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, और इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन अल्लाह की शान जन्नत में वो बकरा चलता नहीं था, दुनिया में चलता था, जन्नत में चलता नहीं था। तो एक बुज़ुर्ग को ताबीर पूछी कि हज़रत बकरा माशाल्लाह सही सालिम था, तंदुरुस्त था, उसके पैर में कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, तो वो जन्नत में था, तो इसका मतलब मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन वो चलता नहीं था। तो हज़रत ने कहा शायद उसके पैर तेरे फ्रीज में होंगे। उसने कहा हाँ, कहाँ से चलेगा बोल, पाए तो तेरे फ्रीज में। पता नहीं हकीकत है या लतीफ है। मुझे लगता है हमारे तो शायद 3-3 महीने तक नहीं चलते होंगे। एक बुज़ुर्ग के बयान में मैं गया गुज़िश्ते 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि बकरीद के 1 हफ्ते पहले मेरी दावत थी तो हम लोग गए खाने के लिए, तो कहा मौलाना आपकी तारीख ली थी और कब से आपके लिए संभाल के रखा था कि हमारे हजरत आएंगे ना उनको शानदार गोश्त खिलाएंगे, वो बड़ा आलीशान गोश्त है, आज आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत ने फरमाया कि भाई गोश्त तो एक जैसा ही होता है। बोले ना ना ना, आपके लिए वो बकरीद का बचा के रखा, आपको कहाँ मिलेगा बकरीद का गोश्त? हजरत कहते मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, 1 साल के बाद खिला रहा है, सूरत ही की बात है। पता नहीं वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला आप लोगों को हम तमाम को हमेशा हंसता रखे, खुशहाल रखे। अभी हज के दिन हज के अय्याम चल रहे हैं और कितने लोग तो अभी माशाल्लाह मीना में होंगे, कोई तवाफ़ ज़ियारत करते होंगे, खुश नसीब लोग पहुंच गए, मुकद्दर वाले पहुंच गए। लेकिन अभी क्या पता शायद अल्लाह ताला हमें भी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, तो अगर अभी तड़पेंगे और उनको याद करेंगे और अल्लाह के सामने रोएंगे कि अल्लाह उनके हज को कबूल कर ले, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमा, उनको खूब नेकी की तरफ मुतवज्जे फरमा और अब के बाद से हर साल हमें भी कबूल फरमा, ये तलब होगी ना, तो कभी कभार अल्लाह ताला ऐसा फरमाते हैं कि बार बार के लिए सिलसिला खोल देते हैं। हमने देखा कई अल्लाह वाले को बार बार के लिए, हमेशा के लिए। एक वक्त ऐसा था कि वो जा ही नहीं सकते थे, कोई असबाब ही नहीं थे, और एक वक्त ऐसा आया कि अब वो कभी ऐसा होता ही नहीं कि उनका हज छूटा हो, उमरा छूटा हो, ये उमरा खुला चले गए, ये हज हुआ तो चले गए, वजह क्या तो गए, ऐसा अल्लाह ताला से मांगा था। एक ही वक्त में ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, भाई कुआं खोद रहे पानी आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, लेकिन खोदते खोदते इतनी तह में चले गए कि अब आया तो आता ही चला गया। बिल्कुल इसी तरह ये हजरात तड़पते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते
جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ جاتے ہی چلے جاتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حج بدل میں جانے کا موقع ملا اور میں تیار بھی ہو گیا. میرے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے, میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ابا میں حج بدل میں جا رہا ہوں. میرے والد صاحب نے بھی مجھے اجازت دے دی, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے والد صاحب بیمار ہے, تجھے نہیں جانا چاہیے, یہی تیرے لیے حج ہے, یہی تیرے لیے عمرہ ہے. تو میرے والد صاحب کو میں نے کہا, میرے والد صاحب نے کہا عثمان تو تقی تو جانے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو آپ کی خدمت کی وجہ سے میں نے کینسل کر دیا. اس وقت میرے ابا نے فی البدی مجھے دعا دی, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تو نے میری خدمت کے لیے کینسل کیا, اب اللہ تعالیٰ تجھے بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے. کہتے او ہو ہو میرے لیے ایسا دروازہ کھلا کہ 75 سے ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سال میں 6 مرتبہ سے کم میری حاضری ہوئی. ایک کی قربانی دی اور راستہ کیسا کھولا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ راستہ کھول دیتے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار لا رہے ہیں بار بار. اس کی وجہ یہ کہ جب میں پہلے حج میں آیا تھا, پہلے حج میں انسان بڑی محنت سے جاتا ہے, مشکل سے جاتا ہے, اللہ کے فضل سے جاتا ہے. اس وقت ایک پریشان حال عورت تھی, اس کی میں نے خدمت کی تھی, اس نے کہا تھا اب اللہ تجھے بار بار لائے گا. بس وہ دن ہے آج کی گھڑی, اللہ مجھے بار بار لاتا ہے. خدمت کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے. اگر ابھی سے ہم روئیں گے تڑپیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار لے جائیں گے. ایک شخص حج کر کے آئے تو ایک کرانے کی دکان پر ان کے 140,000 روپے باقی تھے. 140,000 روپے ان کے باقی تھے. کرانے کی دکان والا بڑا پریشان کہ ہر مرتبہ 6 مہینے میں پیسے دے دیتے ہیں, ابھی 9 مہینے ہو گئے پیسے ہی نہیں دے رہے. وہ انتظار کر رہا تھا. اللہ کی شان انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کھجوریں آپ بھر دیجئے اور زمزم کی پانی, اور لے کے کرانے والے کی دکان پہ. وہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ میرے 140,000 روپے آ جائیں گے. تو حاجی صاحب نے جا کے کہا آپ کے لیے کھجور پانی لایا ہوں. بیچارے نے قبول تو کر لیے لیکن اس کا دل خوش تھا نہیں. اس نے کہا مجھے تو میرے 140,000 چاہیے. حاجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, چلو آپ کا رجسٹر کہاں ہے جس میں آپ سب لکھتے ہیں, وہ سب حساب وہ کھولیں آپ. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اب میرے پیسے آ گئے اور میرا ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس نے رجسٹر کھول کے کہا حاجی صاحب حساب بتاؤں آپ کو. بولے حساب نہیں, میں حج کر کے آیا ہوں, میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے. اس نے بولا یہ حساب؟ بولے علماء کے جوڑ میں گیا تھا حج کے جوڑ میں, اس میں بڑے بڑے اللہ والے آئے تھے. اس نے کہا تھا حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اور ماں کے پیٹ سے کوئی قرض دار پیدا ہوتا ہے. بولے میرا تو سب معاف ہو گیا. وہ تو رونے لگا. وہ بولے آپ کی کھجور نہیں چاہیے, یہ پانی نہیں چاہیے, آپ لے جاؤ مجھے میرے 140,000 دو. ارے جتنے علماء ہیں سب نے یہی کہا تھا کہ آپ کا سب معاف, ایک دم جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. آپ تو ایسے ہو گئے اور ماں کے پیٹ سے کوئی قرض دار پیدا نہیں ہوتا, میرا کوئی قرضہ نہیں ہے. اس نے کہا نہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, ہم جائیں گے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب نے کہا چپ چاپ ادا کرو, وہ یہ سب معاف نہیں ہوتا. کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہو وہ معاف ہو جاتی ہے کیا؟ کسی کا قرضہ لیا ہو وہ معاف ہو جاتا ہے کیا؟ تو ہر کوئی چوری کر کے حج میں چلا جائے ہو سارے ہی معاف ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک شخص نے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما, مدینہ منورہ کی موت عطا فرما, مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے یہ تڑپ کرتے ہیں اور اس کی رٹ لگاتے تھے. ایک بزرگ سفر میں ساتھ میں تھے, حضرت کہتے تھے آمین آمین آمین, کہ بڑا اچھا جذبہ ہے. ان کی عمر بھی بہت بڑی ہو گئی تھی اور دعا کر رہے تھے مدینہ منورہ میں موت کی. حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ بیچارے بڑی عمر کے چاچا ہے, بیمار سے رہتے ہیں, آمین کہتے تھے. اللہ کی شان مدینہ منورہ میں بڑی شدت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. حضرت عیادت کے لیے آئے اور کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. کون سی دعا؟ وہ آپ دعا کر رہے تھے نا مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے, وہ بہت روئے, بولے اللہ اس سال نہیں کبھی اور, اس سال نہیں کبھی اور, ابھی تو جانا ہے مجھے. ہر انسان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ہنستا رکھے, خوشحال رکھے. لیکن اس ہنسی میں آپ کبھی بھی غریبوں کو نہ بھولنا. جو میں نے داستانیں آپ کو سنائی, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے بہت قریب کے لوگوں میں کوئی بھوکا رہ جائے. ہمارے یہاں ایک بہت مالدار علاقہ, ایک دم پوشت علاقہ, وہ پوشت علاقے کے درمیان ایک مرتبہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال ایسا ہوا کہ ایک شخص, ایسے تو بہت ہوں گے, ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہمارے ساتھی کی. اس نے بتایا کہ دوپہر میں میرے یہاں گوشت پہنچا نہیں, بیچارے نے سیدھا سادہ کھانا کھایا. عید کے, ویسے سیدھا سادہ کھانا انسان کھا سکتا ہے. عید میں نے قریشی لوگوں سے پوچھا کہ عید کے دن آپ کی دکان بند رہتی ہے؟ بولے نہ
सबसे ज्यादा हमारी जो बिक्री होती है वो बकरीद के दिन होती है। बोले हम बहुत बिजी होते हैं बकरीद के दिन। मैंने बोला वो कैसे? बोले कितने लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार बंगाल वगैरह से बेचारे यहाँ कामकाज के लिए आए हुए थे और उनके पास इतने पैसे नहीं होते और लोग इनको जानने वाले भी नहीं होते कि इनके घर में गोश्त पहुँचाए, तो इनके बच्चे भी तमन्ना करते हैं, इनकी फैमिली की भी चाहत होती है कि आज बकरीद का दिन है, सबके यहाँ गोश्त बनेगा तो हमारे यहाँ भी बनना चाहिए, तो वो लोग एक एक किलो गोश्त ले जाते हैं। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अगर सारे मालदार लोग ये अल्लाह वालों की बात पे अमल करें और अपने बकरे का तीसरा हिस्सा जो लोगों में तकसीम करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई इस तरह भूखा न रहे, कोई बगैर गोश्त के न रहे। अल्लाह ताला हम तमाम की आज की रात में मगफिरत फरमाएँ, आज की रात को वसूल करने की तौफीक अता फरमाएँ और कल को अल्लाह करें कोई गरीब भूखा न रहे। ऐसी हम अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को और आज की मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाएँ।